डियर स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 12 के लिए सब्जेक्ट मैथमेटिक्स को पढ़ना। जैसे कि आप जानते हैं हम लोग 7.6 एक इंटीग्रेशन चैप्टर को पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग बोल सकते हैं कि बाईपार्ट रूल का यूज कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 पे पहुंचे हैं, क्वेश्चन नंबर 16 एक्सरसाइज 7.6 का। इस क्वेश्चन में आप जानते होंगे कि इस क्वेश्चन के लिए एक हम लोग अलग फार्मूला भी पढ़े थे। वो फार्मूला हम पहले आपको याद दिला देना चाहते हैं कि वो कुछ ऐसे था, इंटीग्रेशन e के पावर x रहेगा बाहर और अंदर में हम लोगों का एफ एक्स रहेगा और प्लस एफ डेस एक्स रहेगा और पूरा का dx रहेगा, तब इसका आंसर डायरेक्ट e के पावर x इंटू एफ एक्स कर देते हैं, ठीक है, प्लस c। यानी कि दोस्त e के पावर x बाहर रहे, ठीक है, e के पावर x बाहर रहे और फिर बात करें तो उसके अंदर में दो गो फंक्शन दिखना चाहिए, एक फंक्शन दूसरा का डिफरेंशिएशन होना चाहिए, तब जिसका डिफरेंशिएशन होता है उसको हम लोग आंसर कर देते हैं। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कि क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 7.6 में एनसीईआरटी का देख पा रहे होंगे आप, तो e के पावर x दिया हुआ है और साइन x प्लस कोस x है, e के पावर x और ब्रैकेट में साइन x प्लस कॉस एक्स दिया है इंटू डी एक्स, ठीक है। तो e के पावर x ब्रैकेट में साइन x प्लस कॉस एक्स है, तो इसको करने के लिए सबसे पहले आपको सोचना पड़ेगा कि e के पावर x तो बाहर है, तो जब e के पावर x बाहर है तो अंदर में दो गो फंक्शन है, एगो साइन एक्स है और एगो कॉस एक्स है। तो यहां से आपको देखकर पता चल रहा है हियर कि अगर एफ एक्स का वैल्यू अगर साइन एक्स रहता तो इससे एफ डेस एक्स हम लोगों को सवाल में दिया है, यानी कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कौन सी होता है, कॉस एक्स। तो देखिए जिसका डिफरेंशिएशन होता है वो भी यहां पे है, तो इसलिए इसका डायरेक्ट आंसर करना है e के पावर x बाहर है e के पावर x और इनटू ये दोनों में एफ एक्स कौन है, तो साइन एक्स, तो इनटू में साइन एक्स प्लस में सी। क्यों भाई, क्योंकि एफ एक्स हम इसको इसलिए माने क्योंकि इसी का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है और क्वेश्चन में भी दिया हुआ है कॉस एक्स। तो याद रखिएगा एक हम लोग प्रॉपर्टी पढ़े थे कि e के पावर एक्स रहे और उसका अंदर दो गो फंक्शन रहे, वो एफ एक्स रहे और वो एफ डेस एक्स रहे, तब एफ एक्स वाला आंसर होता है, यानी e के पावर एक्स तो e के पावर एक्स रहेगा और एफ एक्स जो होगा यानी कि एफ एक्स और एफ डेस एक्स किसको डिसाइड करेंगे, तो जिसका डिफरेंशिएशन होगा, जिसे साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करने पर कोस एक्स आता है तब हम इसको एफ डेस एक्स बोल देंगे और एफ एक्स को साइन एक्स बोल देंगे। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा कि साइन एक्स ही सिर्फ होना चाहिए क्योंकि फार्मूला होता है ई के पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी। चलिए तो इस तरीके से इसका हम लोगों को सीधा सीधा आंसर दिख रहा था। अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 में। अब क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है जरा देखिए। कभी कभी होता है कि e के पावर x तो दिया रहता है लेकिन उसके अंदर में दो गो फंक्शन नहीं दिया रहता है, सिवाय हमको क्या करना पड़ता है कि उस अंदर वाले फंक्शन को हमको खुद से बनाना पड़ता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 नंबर। हालांकि 17 नंबर क्वेश्चन से आपको आइडिया लग जाएगा कि जब e के पावर x अगर बाहर में रहेगा और इंटीग्रेशन का सवाल रहेगा तब आपको कहीं ना कहीं मशक्कत करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा कि उसके अंदर के जो फंक्शन है वो दो मिल जाए किसी तरह। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 का बात करें तो इसमें कुछ लिखा हुआ है, x e के पावर x इंटीग्रेशन x e के पावर x डिवाइडेड 1 + x² dx। दोस्त यहां पे आप देख पा रहे होंगे क्या है, क्या बच रहा है यहाँ पे, तो ऐसे दिया है e के पावर x बाद में, तो हम e के पावर x पहले लिख सकते हैं इंटू x बटा 1 + x² dx। अब ये जो ऊपर x है इसमें हम लोग 1 को ऐड करके और 1 को माइनस कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग यहाँ अपने से क्या किए, सबसे पहले सवाल ये था हम लोगों का
के पावर एक्स इंटू एक्स बटा वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये क्वेश्चन था। अब हम लोग तो जो प्रॉपर्टी पढ़े हैं वहां पे ये पढ़े हैं कि e के पावर एक्स रहना चाहिए और अंदर में दो गो फंक्शन रहना चाहिए और दोनों फंक्शन को डिसाइड कीजिए कि कौन एफ एक्स है और कौन एफ डैश एक्स है, ठीक है। तो यहाँ पे तो भाई e के पावर एक्स है और अंदर में कोई फंक्शन नहीं, एक ही फंक्शन है, हमको दो गो चाहिए फंक्शन। तो इसको दो गो बनाने के लिए हम लोग अपना माइंड यूज करेंगे, करेंगे क्या, e के पावर एक्स तो है ये है भाई इनटू फिर ब्रैकेट ब्रैकेट ऊपर एक्स है तो इस एक्स में वन को ऐड कर दिए और वन को माइनस कर दिए अपने तरफ से। ऐसा क्यों कर रहे हैं थोड़ा देर में पता चलेगा, क्योंकि यहां से अभी फिलहाल तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा क्योंकि वन और वन कैंसिल आउट हो जाएगा तो अभी भी तो एक्स है ना। हम जोड़े क्यों है जरा देखते रहिए। अब हम लोग इसको लिख सकते हैं e के पावर एक्स और वन प्लस एक्स को एक साथ रखेंगे तो यहां हो जाएगा वन प्लस एक्स बटा वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर, अलग अलग तोड़ देंगे तो माइनस वन बाई वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर, बनेगा कि नहीं, बिल्कुल बनेगा। अब यहां से आप देख पा रहे होंगे कि वन प्लस एक्स ऊपर एगो है ना, और नीचे दो गो है तो एगो कट जाएगा तो अब बच क्या रहा है तो जरा इधर देख लीजिए क्या क्या बच रहा है। तो यहां बच रहा है इंटीग्रेशन e के पावर एक्स ब्रैकेट में ऊपर बच रहा है वो वन बाय वन प्लस एक्स और माइनस वन बटा वन प्लस एक्स स्क्वायर और इंटू डी एक्स। अब आपको दिखने लगा ना कि e के पावर एक्स बाहर है और दो गो फंक्शन दिखने लगा। अब दो गो फंक्शन में किसको एफ एक्स मानेंगे ताकि उसका डिफरेंशिएशन दिख रहा है, तो यहां पे आप मान लो हियर एफ एक्स बराबर वन बाय वन प्लस एक्स, तो इसका एफ डैश एक्स निकालेंगे ना, एफ डैश एक्स का माने डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो इसको डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे तो वन बाय वन प्लस एक्स को डिफरेंशिएशन करने के लिए ऊपर वाला को मान लो यू और नीचे वाला को भी, देखते हैं कि क्या इसको डिफरेंशिएशन करने पर ये आता है कि नहीं। अगर आ गया तो e के पावर एक्स और एफ एक्स आंसर हो जाएगा। कब आंसर करेंगे जब हम लोग एक तरीके से चेक कर लेंगे कि क्या इसको u एफ एक्स मानने पर इसका डिफरेंशिएशन इसके साथ दिया हुआ है कि नहीं। तो इसका डिफरेंशिएशन करने का फॉर्मूला है नीचे करेंगे भी स्क्वायर यानी वन प्लस एक्स का स्क्वायर और भी बाहर निकाल लीजिए वन प्लस एक्स इंटू यू का डिफरेंशिएशन तो यू का डिफरेंशिएशन तो जीरो और माइनस यू को बाहर निकालिए और भी का डिफरेंशिएशन यानी कि वन प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन। आप देख पा रहे होंगे किसी भी संख्या को जीरो से गुणा करते हैं तो जीरो और ये हो जाएगा माइनस और वन से किसी संख्या में गुणा करेंगे तो वही रहेगा तो वन का डिफरेंशिएशन जीरो और एक्स का डिफरेंशिएशन वन और बटा कितना वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो आप देख पा रहे हैं आ गया माइनस वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहां से पता चल गया कि जी हाँ दोस्त e के पावर एक्स बाहर है और ये हो जाएगा हम लोगों का एक्स और अरे एफ एक्स, क्यों, क्योंकि इसका एफ डैश एक्स भी सवाल में दिया है। तो जब एफ एक्स दिया रहे और एफ डैश एक्स दोनों सवाल में ही दिया रहे तो हम लोग फार्मूला जानते हैं कि फार्मूला होता है e के पावर एक्स और एफ एक्स आंसर। तो यहां पे जब हम लोग आंसर करेंगे तो आंसर क्या होगा, सो इसलिए e के पावर एक्स और एफ एक्स कौन है वन बाय वन प्लस एक्स प्लस में सी आंसर, सी आंसर हो गया क्योंकि e के पावर एक्स तो लिखा जाता है और एफ एक्स वन बाय वन प्लस एक्स था तो इस तरीके से हम लोग आंसर लेंगे। तो आपको दोस्त पता चल रहा होगा कि कहीं ना कहीं किसी भी सवाल में इंटीग्रेशन में अगर e के पावर एक्स आए ना तो आपको क्या करना है, पहले दिमाग लगाना है कि उसके अंदर दो को फंक्शन कैसे लाएंगे। जैसे कि दिमाग लगाए हम वन जोड़ को और वन घटा के, वैसे ही कुछ और करना पड़ेगा। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 18 पे कि 18 नंबर क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, आखिर वो क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 18
क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स 1 प्लस साइन एक्स और 1 प्लस कॉस एक्स, ई के पावर एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स बटा 1 प्लस कॉस एक्स, ठीक है। अब देख लो यहां पे ये सवाल है, इसको इंटीग्रेट करना है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ई के पावर एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स को कैसे लिखते हैं, तो 1 फार्मूला पढ़े होंगे ना 10th क्लास में कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है। तो आप इस 1 को क्या कीजिएगा, साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कोस स्क्वायर एक्स बाई टू कर सकते हैं, नहीं ये वाला तो हम लोग अलग हाफ हाफ पे कर सकते हैं, हमको तो ये दोनों से सेम से मतलब है, साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कोस स्क्वायर एक्स बाई टू दोनों को मिला के 1 के जगह पे लिख दिए और प्लस साइन थीटा का फॉर्मूला होता है, याद रखना 2 साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू, यहां कौन सी हो जाएगा तो 2 साइन एक्स बाई टू क्योंकि थीटा के जगह पे एक्स बाई एक्स है बट्टा, और 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है, देख लो 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बटा 2। ये सब फार्मूला नहीं याद है, हम याद दिला दे रहे हैं, ये 11th क्लास का फार्मूला है। तो 1 प्लस कॉस के जगह पे तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू और पूरा का ब्रैकेट डीएक्स। अब ई के पावर एक्स तो भाई उसी तरह से छोड़ना है क्योंकि अंदर में हमको दुगो ऐसा फंक्शन चुनना है, दुगो ऐसा फंक्शन लाना है कि एक दूसरे का डिफरेंशिएशन हो जाए। अब बताइए ऊपर वाला को हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ऊपर वाला को हम लिख सकते ना है साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू का होल स्क्वायर डिवाइडेड, इसको लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू डीएक्स। अब आप देखिए ये 1 बाई टू है ना, तो 1 बाई टू तो कांस्टेंट है, 1 बाई टू को हम इंटीग्रेशन से बाहर निकाल देते हैं, तो इंटीग्रेशन से जैसे ही बाहर निकालेंगे तो क्या क्या बचेगा आप जरा देखते रहिए। इंटीग्रेशन से किसको बाहर निकाल दिए, 1 बाई टू ई के पावर एक्स, 1 बाई टू तो कांस्टेंट था बाहर निकल गया, ई के पावर एक्स और ब्रैकेट। अब हम क्या लिख सकते हैं, तो साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू का होल स्क्वायर है और नीचे भी कॉस स्क्वायर है, तो ऐसा लिख सकते हैं कि साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू बटा कॉस एक्स बाई टू का होल स्क्वायर इंटू डीएक्स। नहीं भाई आप देख लो ऊपर वाला का भी स्क्वायर है और टू तो बाहर आ गया, तो यहाँ कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू बच गया, तो ये भी तो स्क्वायर है, तो ऊपर वाला का स्क्वायर और नीचे वाला का स्क्वायर दोनों को होल स्क्वायर कर दिए हैं, दोनों को एक साथ लिख दिए और नीचे कॉस एक्स बाई टू बच जाएगा। अब क्या करते हैं, 1 बाई टू ई के पावर एक्स ब्रैकेट साइन एक्स बाई टू, इसके नीचे लाएंगे तो जाएगा साइन बाई कॉस टेन एक्स बाई टू, ठीक है, प्लस जब इसके नीचे आएंगे तो कॉस एक्स बाई टू और कॉस एक्स बाई टू कट गया तो 1 का होल स्क्वायर हो गया, यानी कि उसके अंदर वाला को हम तोड़ दिए अलग अलग प्लस में था, तो ठीक है। अब यहां पे आप देख पा रहे होंगे कि अब बच क्या रहा है, तो 1 बाई टू ई के पावर एक्स, अब हम इसको तोड़ सकते हैं ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे, तो यहां हो जाएगा ए स्क्वायर यानी कि टेन स्क्वायर एक्स बाय टू प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2 टेन एक्स बाय टू इंटू डी एक्स, ठीक है। अब आप याद रखिएगा कि हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है 1 और ये माइनस टेन स्क्वायर थीटा उधर जाता है, तो सेक स्क्वायर थीटा के जगह पे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिखते थे क्लास 10th में, तो यहाँ 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू है, तो इसको हम लिख सकते हैं ई के पावर एक्स ब्रैकेट
वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू है, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा तो सेक स्क्वायर थीटा, तो वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू तो सेक स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस टू टेन एक्स बाई टू, टेन एक्स बाई टू ठीक है। अब आप देख पा रहे होंगे इंटू डी एक्स, अब हम इसको किसको टी मानेंगे सॉरी किसको एफ एक्स मानेंगे ताकि हम लोगों को जो है काम बन जाएगा। तो यहां पे आप देख पा रहे होंगे कि ये दोनों फंक्शन है और इस फंक्शन में अगर बात किया जाए तो अगर हम वन बाई टू था यहां पे और सब में गुना करा दे ठीक है, तो अगर सब में गुना करा देते हैं तब हम लोगों का काम बन जाएगा। अब वन बाई टू जो बाहर किए थे ना, अब हम वन बाई टू से क्या करेंगे अंदर ले जाकर गुना कर देंगे तब क्या बन जाएगा देखिए, इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स वन बाई टू से इसको गुना कराएंगे तो बनेगा वन बाई टू सेक स्क्वायर एक्स बाई टू और प्लस इस वन बाई टू को भी इसके साथ गुना कराएंगे तो टू और टू कट गया, सिर्फ क्या बच गया टेन एक्स बाई टू इंटू डी। अब यहां से आप देखिए कि किसको एफ एक्स बोला जाए ताकि उसका डिफ्रेंसिएशन हमें मिलता रहे, तो यहां पे आप देख पा रहे होंगे हियर एफ एक्स का वैल्यू टेन एक्स बाई टू है, तो अब जब एफ एक्स का वैल्यू टेन एक्स बाई टू निकाले तो इसका एफ डैश एक्स कितना आता है, तो टेन एक्स बाई टू को पहले टेन एक्स बाई टू को चैन रूल लगाएंगे तो डी एक्स बाई टू और नीचे वाला डी एक्स बाई टू को ऊपर ले जाएंगे तो अब की बार डी एक्स के रिस्पेक्ट में। तो यहां से आपको पता चल गया कि एफ डैश एक्स आता है कि नहीं आता है। सबसे पहले हमको ई के पावर एक्स बाहर रखना है, उसके अंदर दो गो फंक्शन ऐसा तोड़ तोड़ के ला देना है ताकि एक का डिफरेंशिएशन दूसरा मिल जाए। यहां पे देख पा रहे होंगे टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स बाई टू क्योंकि एक्स बाय टू है और इंटू वन बाई टू यहां से बाहर निकलेगा तो एक्स का वन यानी वन बाई टू सेक स्क्वायर एक्स बाय टू हम लोगों को ये हो गया एफ डैश एक्स। तो एफ एक्स का मतलब कौन टेन एक्स बाय टू, इसलिए जब भी आंसर लिखेंगे इसलिए सो इसका आंसर होगा ई के पावर एक्स इंटू एफ एक्स ना एफ एक्स तो यहां हो जाएगा टेन एक्स बाय टू प्लस में सी। तो ध्यान से देखिए दोस्तों हम लोग जिस तरीके से क्वेश्चन 18 तक के किए अगले क्लास में हम 19 से बताएंगे। फिलहाल अगर आपसे कुछ क्वेश्चंस बनता है इसी तरीके से थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला तो क्वेश्चन है ही है क्योंकि इसमें थोड़ा सा ये काम करना होगा कि ई के पावर एक्स के अंदर दो गो फंक्शन लाना है ताकि एक का डिफ्रेंसिएशन दूसरा वहां पर दिखता रहे। तो दोस्तों आगे क्वेश्चन आपको इसी तरीके से ट्राई करना है और आपको अगर नहीं दिख रहा है कि अंदर में दो गो फंक्शन है तो आप तोड़ के प्लीज उसको लाइए और फिर उसको इंटीग्रेट कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।